हेलो एवरीवन। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो एक टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। आज नहीं काम आएगी तो फ्यूचर में आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर्स को कई बार ये काम पड़ जाता है कि उनको कोई मैटर टाइप करना होता है, या कोई वन पेज का मैटर हो गया जो उनको टाइप करना होता है, या स्टूडेंट्स को भी कुछ कई बार नोट्स बनाने हैं या किसी भी तरह का उनका कोई वर्क हो, आप एग्ज़ाम्पल के लिए लगा सकते हैं, उनको कोई टाइपिंग करनी है, टाइप करना होता है। या ऑफिस में भी, आप ऑफिस में भी किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बोल दिया भाई ये 2 पेज का मैटर है, इसको टाइप करना है, या आपका खुद का भी कोई पर्सनल काम है और आपको टाइप करना है, बट लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको टाइपिंग नहीं आती, आपको टाइपिंग नहीं आती है, आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और आपको उसके लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब आती है जब आपके पास समय ना हो, जब आपके पास समय ना हो, आपको कोई अर्जेंट काम करना हो, अर्जेंट बेस पे कोई काम करके देना हो, अपने टाइपिंग वाले काम को आप कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम में आ जाना है। मैंने यहाँ पर अपने पीसी में गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। आपको अपने गूगल क्रोम में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है प्री पोस्ट सीओ। देखिए प्री पोस्ट सीओ, आप स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, .com आपको सिर्फ इतना डाल देना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके सामने एक प्री पोस्ट सीओ की साइट जो है ओपन हो जाएगी। अब हम ज़रा नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। अब हम इसके जो है ऊपर देख लेते हैं। ये देखिए इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, मतलब कि ये आपकी जो इमेज है, आपकी किसी भी तरह की इमेज है, मान लीजिए आपका हिंदी का इमेज है, आपकी जो जो टाइपिंग है, आपको जो टाइपिंग करनी है वो हिंदी में है, ठीक है, वो वर्डिंग हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो ये दोनों में आपका काम करेगा, ठीक है। टाइपिंग नहीं आती, ये टाइपिंग करके देगा, टाइपिंग आती है पर समय नहीं है, ये टाइपिंग करके देगा, ठीक है। नेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, सब कुछ होगा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिखाऊँगा करके कि कैसे करना है। आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा ब्राउज़र फाइल्स, आप यहाँ देख रहे हैं ब्राउज़र फाइल्स। तो यहाँ पर आपको अपने उस पेज को, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस पेज को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो पेज कोशिश करिएगा कि साफ़ हो। अगर वो हैंड राइटिंग भी है तो भी आप कोशिश करिएगा कि वो जो राइटिंग है, जिसने भी उसको लिखा है, थोड़ा साफ साफ लिखा हो, ये उसको भी करके देगा, ठीक है। बट लेकिन मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर 2 पेज जो है डाउनलोड किए थे, नेट से ही डाउनलोड किए हुए थे, उनकी क्वालिटी ठीक ठीक है, ना ज़्यादा साफ़ है ना ही मतलब ख़राब है, ठीक ठीक है। तो ये आपको कैसे काम करता है देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप अपनी फाइल जो है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके भी अपनी फाइल को ले जा सकते हैं। चलो हम सिंपल वाला तरीका देखते हैं। आप यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, और जो मैंने अपना जो पेज रखा हुआ है जिसको मैं आपको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊँगा, अभी वो जो है मेरा टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं है, मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ताकि मैं उसके अंदर कोई भी मैटर ऐड कर सकूं या कट कर सकूं, उसमें कोई भी करेक्शन करनी हो तो उसे कर सकूं, ठीक है, या किसी और को दे सकूं। तो आपने क्या करना है, अपनी उस लोकेशन पर जाना है जिस लोकेशन पर आपका वो पेज रखा है, ठीक है, ठीक है। चलो तो मैंने अपनी जो फाइल है, जो पेज है वो रखे हुए हैं डेस्कटॉप पर, ताकि जल्दी से वीडियो बन जाए और आपको आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो मैं अब डेस्कटॉप पर आऊँगा। डेस्कटॉप पर आने के बाद देखिए मैंने ये फाइल रखी हुई है लॉयन रीडिंग, मैंने ये पेज डाउनलोड किया था नेट से, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये अपलोडिंग हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ये देखिए, अभी हम जरा इसको यहाँ से नीचे कट कर लेते हैं। एड्स वगैरह बहुत आने लग गए हैं, आप कोई भी साइट खोलिए, एड्स आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, आपका काम नहीं होगा पर एड्स अपना काम कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपने इमेज यहाँ से सेलेक्ट करी थी वो इमेज आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं, पर लेकिन मैं कहूँगा आप इसको कुछ भी ना कीजिएगा, बिल्कुल छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे है ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये अपने आप सब कुछ करके देगा आपको, आपको कुछ नहीं करना। ये बात क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है, देखिए फिर एड्स, एड्स ही एड्स, कुछ दिन बाद एड्स ही नज़र आएंगे यहाँ पर हमको, और कुछ नहीं नज़र आने वाला। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अपलोडिंग इमेज हो जाएगा आपका,
अब देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता। देखिए आप देख रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है मेरे पेज की, मैंने कोशिश की है। ठीक है, अब आप इसको मिला लीजिए, देखिए ऊपर से उठाया इसने। ठीक है, अब उसके बाद देखिए द लॉयन, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मैटर मिला सकते हैं। ये सारा का सारा मैटर सेम एज इट इज़ जो इस पेज में था यहाँ पर आपको देखिए टेक्स्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, समय बच गए, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने आपके और आपका काम फिनिश। आप अपने बॉस को बोलोगे ये लीजिए जी मैंने कर दिया। ज़बरदस्त साइट है, मेरे पास जब समय नहीं होता, वैसे मुझे टाइपिंग आती है पर लेकिन फिर भी मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आप सब समझते हैं टाइपिंग करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। आप इसको मिला सकते हैं, बहुत अच्छी साइट है। अब देखिए आप इसको यहाँ से इस तरह से करिए, एक सिलेक्ट करेंगे, आप चाहे तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी करके भी कॉपी कर सकते हैं या राइट प्लस राइट करके यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हम चाहें इसको चलते हैं एमएस वर्ड में लेके चलते हैं और यहाँ से हम वर्ड ओपन कर लेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद देखिए मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ और यहाँ रखा और ये देखिए मैटर मेरा सारा आ गया। ठीक है, बाकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी होती है वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको जो है पैराग्राफ नहीं बना के देगा, मतलब सेटिंग करके नहीं देगा, फॉर्मेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, बस ये है आपको एक टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, सारा का सारा एज इट इज़ आपको कन्वर्ट कर देगा एक टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आने वाले समय में अच्छी से अच्छी इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूं और आपके लिए आपके काम को आसान बनाता रहूं ताकि आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े और आप खुद से चीज़ों को सीखकर खुद से अपने काम को आसान बनाएं। ठीक है, और लोगों के सामने अपने वर्क को स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक्स के साथ, बहुत ही अच्छी कोई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।